क्या तेरे घर में मेहमान आए हैं यार, इधर ऐसी बातें? अरे कहीं का मेहमान आया घर में, तू चटा चटा पहन के घूम रहा है, दूसरों की बहन बेटी के साथ तू फ्रेंड कर रहा है, अपनी बहन को घूमने का क्या हो गया? दूसरों के साथ घूम रही है क्या हुआ? देखो पूछो किधर से आ रही है, कहाँ से आ रही है? घर में मेहंदी लगा लगा के मेहंदी सन बन गया है। अरे जो मेहंदी सन था आपके जो पहले शागिर्द थे उन्होंने क्या किया मेहंदी सन के लिए? अबे मैं पक्का शागिर्द हूं, खुदा पाक की कसम, यकीन नहीं तो बाजे से पूछ ले चले गए। अरे तेरे बाजे से मैं बाद में पूछूंगा, पहले अपनी बाजे से पूछो किधर से आए। हां भाई तो ओ भाई मैं अपनी फ्रेंड के बर्थडे पे गई थी, क्या हो गई, क्यों तमाशे कर रही है, देख कौन पूरी कमाल से चल तो नहीं रहा ऐसे खड़ा रखा देख रहा है उधर तो शक्ल नहीं, तू वो मांगने वाली है, तेरी शक्ल पे लिखा हुआ है सुनो आपने इधर लिखवा हुआ है राजा की कोठी है। अरे ये कोठी कमरे को कोठा ना तो लग रहा है, बकवास कर अपनी औकात में रहो। क्या बकवास कर रहे हो? अपनी औकात में नहीं है, तुम्हारे पास सजा दबाने के क्या कहना है? हमारा बेटा जो है ना वो पीता है सुल्फी जब तक उसका बाजा नहीं हिलता है, और तुम्हारा दूसरा बेटा जब तक पिए नहीं शराब वो चलता फिरता नहीं है, और तुम जब तक सिगरेट नहीं पिए तुम चढ़ता ही से नहीं उठता। अरे तुमने इस घर का माल बनाया क्या है, है? तुम अपनी बेटी अरे वो इधर खड़ा ठंडे की तरह उधर खड़ा है। अरे तुम कौन है और किधर से आए और तुम क्या करता है, तुम्हारा कारोबार क्या है? मेरा कारोबार कारोबार नहीं बिजनेस बोलो, हमारा चप्पल अच्छा इसका मतलब है तुम मोची है? हाँ पहले मेरा बाप मोची था, फिर हमने मेहनत की बिजनेस किया, एक शॉप खोली वहां पे मेहनत की, आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा चप्पल का अपना कारखाना है। लाड़े वाह मानता हूँ तेरे कारखाने को, देख लिया अब आप तुम्हारी बेटी जो है ना मोचियों के घर जाएगी, मोचियों के। अरे बच्चे हैं गलती हो जाती है तो क्या होता है इसका, और फिर उसने स्टाइल किया था बड़ी दुकान थी, अगर बच्ची कुछ लाना चाहती है तो गलती हो जाती है। ठीक है ठीक है, अपना राजेश है ना, कब ला रहा है तुम पर आप चढ़ रहे चढ़ रहे चढ़ रहे क्या हो गया तुम लोगों को, क्या हो गया मैं तुम्हें इससे शादी हा? मेरी शादी तो मेरी कसम से तय हो चुकी है। ओहो क्या कह रहे हो जाकिर, तुम ये बकवास कैसे कर सकते हो, तुमने तो शादी का वादा मुझसे किया था ना, अब मैं मुकर कैसे सकते हो ऐसे ऐसे बात है तो मैं रोज किसी ना किसी लड़की से करता हूँ मारवी, तुम पहली लड़की नहीं हो, मैं जा रहा हूँ। नहीं जा की तरबियत किस तरह की जाती है। अरे माँ बाप तो
पढ़ा लिखा कर अमेरिका, लंदन, यूरोप में भेजते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, इस मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। अरे तुमने अपने बच्चों को क्या सिखाया, क्या तरबियत दी है तुमने? और दूसरी बात यह है चाचा कि मैं पाकिस्तान में इसलिए आया कि मेरे बाप की ख्वाहिश थी कि मेरी शादी मेरे भाई की बेटी से हो, यानी कि आपकी बेटी मारवी से। लेकिन बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मारवी से मैं शादी नहीं करूंगा, शादी तो मैं इस पाकिस्तान में ही करूंगा, इस घर से ही करूंगा। लेकिन तुम समझ नहीं रहे, शादी तो मैं इस घर से ही करूंगा, इस घर की बेटी से नहीं, इस घर की जो नौकरानी है रानी उससे करूंगा। क्या? क्या ये अब्बा बेटी, अब्बा बहन फिर बचे भाई से। चले रानी, अगर मेरी बात आपको कोई बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ। साहब ठहर जा, साहब ठहर जा मेरे बच्चे, तूने सही कहा, तूने सही कहा मेरे बच्चे कि मैं गफलत में था, मैं गफलत में था, और इस गफलत में मैं अपने बच्चों की सही देखभाल ना कर सका, मैं उन्हें नहीं देख सका कि वो क्या कर रहे हैं। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे, अपने इस चाचा को माफ कर दे मेरे बच्चे। अगर तेरी यही ख्वाहिश है कि तू रानी से शादी करेगा तो रानी भी मेरी बच्ची हो जैसी है, मैं इसको अपनी दुआओं में रुखसत करूंगा मेरे बच्चे, मैं इसको अपनी दुआओं में रुखसत करूंगा। शाकिर भाई, हम दोनों को भी माफ करते हैं, अमेरिका से आके जो सबक आपने हम दोनों को दिया है हमारी तो आप ही भूल गई। हाँ, सवा महीने में नहीं भूलेगी। ठीक है तो सही, आज तक अमेरिका से जो भी आया है पाकिस्तान, वो कोई पॉलिसी लेके आया है, आर्डर लेके आया है, इमदाद लेके आया है, या फिर पाबंदी लेके आया है। तुम वाहिद आदमी है जो पाकिस्तान में मोहब्बत का पैगाम लेकर आया है, चाहे अमेरिका हो या पाकिस्तान, औलाद का असल गहना वालिदैन की अच्छी तरबियत और उसकी तहजीब हो। और जहां तक रानी बहन का ताल्लुक है तो हम भाई बन के रुखसत करेंगे, अब इस घर में क्या क्या गूंजेंगे, खुशियां गूंजेंगे, और सब मिलके एक ही बात कहेंगे कि ये है ईद के चटकारे। जी जनाब, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि ड्रामा ईद के चटकारे, और ये हमारी तमाम ड्रामा देखने वाली ऑडियंस है, आप सब इंशाल्लाह शायद के लिए आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट इसी तरह से होती रहेगी, और इसी तरह से हम आपको ड्रामे दिखाते रहेंगे। फैमिलियाँ, आप अपनी फैमिलियों को भी लाए और ये ड्रामा दिखाएं, और रोजाना एक शो होगा, पूरा हफ्ता ये ड्रामा लगा हुआ है, आप आएंगे हम आपका इंतजार करेंगे, मैं और शफकत टीमा और पूरी कास्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। तमाम